हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवांगन, आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुए हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मानव जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको बोलते हैं HGP, इसको जो है क्यों स्टार्ट किया गया था और कहाँ ये स्टार्ट हुए थे, कौन कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट किया गया था और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इन सब हम लोग जो है इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है जिसकी जो क्रियाविधि है वो लगभग 13 साल तक चला था और 13 साल तक चलने पर जो है इसमें अरबों रुपए की जो है इसमें लागत इसमें आया था। और ये जो है केवल एक कंट्री नहीं, इसमें बहुत सारे जो कंट्री है वो मिलकर इसमें जो है वो अपना पैसे और हम जो है अपने साइंटिस्टों को के थ्रू इसमें जो है वो किया गया था। तो आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये जो आज का हमारा टॉपिक है, इस अध्याय का सबसे लास्ट टॉपिक होगा और ये जो आपके नीट के लिए जो है मेडिकल इंट्रेंस एग्ज़ाम और आपके समझने के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए और समझने का कोशिश कीजिए। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जीनोम क्या होता है। तो बोलता है एनिमल में प्रेजेंट समस्त जीन एवं जेनेटिकल मटेरियल को जीनोम कहते हैं। जितने भी हमारे पास एनिमल्स होते हैं तो एनिमल्स के अंदर जीन और जेनेटिकल मटेरियल होगा, जो कि क्या करेगा, अपने अनुवांशिक जो गुण रहते हैं उसको पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसको बनाए रखते हैं। तो उस जीव में जितने भी वहाँ पर जीन एवं जो है जेनेटिकल मटेरियल पाया जाएगा, उन सबको जो है इसमें जीनोम के नाम से जाना जाता है, जीनोम इसमें कहते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब उसी तरह से इसमें आता है HGP, तो HGP को बोलते हैं मेगा प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाने वाला होता है, इसको बोलते हैं मेगा प्रोजेक्ट, या इसको बोलते हैं HGP के नाम से इसको जो जाना जाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के नाम से इसको जानते हैं। और इसको जो स्टार्ट कब किया गया था, तो इन 1990 US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था सन 1990 में। US मतलब होता है अमेरिका, तो अमेरिका के थ्रू जो है इसको स्टार्ट किया गया था। एक संस्था था जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के थ्रू इसको जो है वो स्टार्ट किया गया था। लेकिन ये केवल एक अमेरिका के बस की बात नहीं थी, तो इसलिए जो है इसमें बहुत सारे देश के साइंटिस्ट वगैरह भी आए और अपने इन्वेस्ट भी इसमें किए, तब ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो सकता था। ऐसा नहीं कि अमेरिका इसको नहीं कर सकता, अमेरिका इसको कर सकता था, लेकिन जो है इसमें टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है, यानी कि जो अभी जो टाइम है उससे क्या लगता है वो दोगुना में होता है। इसलिए जो है इसमें बहुत सारे कंट्रियों ने अपनी सहभागिता इसमें दिया है। तो इसको देखते हैं कि कौन कौन से कंट्री इसमें अपने सहभागिता दिए हैं। तो आता है इसमें वेलकम ट्रस्ट UK, यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है जिसका नाम है वेलकम ट्रस्ट। तो जो वेलकम ट्रस्ट है उन्होंने क्या कहा है, इसमें जो है ज्वाइन हुआ द मेजर एज अ मेजर पार्टनर। ठीक है, क्या हुआ, इसमें मेजर पार्टनर के रूप में, बहुत बड़े पार्टनर के रूप में इन्होंने क्या कहा वहाँ पर वो ज्वाइन हुए हैं। उसी के सांसद अलग अलग और इसमें पार्टनर आए, जैसे इसमें क्या थे, हमारे पास जापान था, फ्रांस थे, जर्मनी था, चाइना थे और सम अदर कंट्री आल्सो ज्वाइन इट, यानी कि अलग अलग कंट्रियों ने इस प्रोजेक्ट में अपने क्या दिया है, अपने सहभागिता को इसमें जो है उन्होंने दिया था। ठीक है, ये था। अब उसके बाद ये तो ट्रस्ट हो गया, ट्रस्ट के में है काम अभी चलना स्टार्ट हुआ है। अब उसमें से जो हमारे पास सबसे पहला रिजल्ट आया, या सबसे पहले रिजल्ट आने का श्रेय किस साइंटिस्ट को दिया जाता है, तो उसके बारे में भी आगे देखते हैं। तो बोलते हैं हमारे में जॉन कैरिंग वेंटर वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम। ठीक है, ये जो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ह्यूमन के जो जीनोम है उसको क्या किया था, इसने सीक्वेंस किया था। हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या होता है, जो जीन हमारे पास पाया जाता है क्रोमोसोम के अंदर जितने भी हमारे पास बेस पेयर होते हैं, उस बेस पेयर को जो है कुछ सीक्वेंस वाइज उसमें अरेंज करके उसकी स्टडी करना, यही कहलाता है हमारे में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसमें कहलाता है। ठीक है, समझ गए आपको, यानी कि जो DNA के अंदर हमारे पास जो है न्यूक्लियोटाइड्स के इसमें बेस पेयर होते हैं, उस न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पेयर उसके कोडिंग को समझना और उसको सीक्वेंस वाइज उसको पढ़ना, रीड करना, उसको बोलते हैं हमारे में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के नाम से इसमें जो है वो जाना जाता है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने किया था उसका नाम था हमारे में जॉन कैरिंग वेंटर ने इसने किया था। ठीक है, अब उसके बाद और क्या बोलता है, द ह्यूमन जीनोम
प्रोजेक्ट वार्ड लॉन्चेड ऑन, कब इसको लॉन्च किया गया था, तो इसके डेट वाइज एकदम आपका अक्टूबर 1, 1990 को इसमें स्टार्ट किया गया था, यानी कि 1 अक्टूबर 1990 को जो है इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और उसी तरह से कैसे ये हुआ कब था आपका, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीट इन, ये कंप्लीट कब हुआ था आपका 2003 में जो है वो कंप्लीट इसमें हुआ था। अगर एग्जैक्ट आपके पास पूछ दिया जाए तो इसमें रहता है आपका 14 अप्रैल सन 2003 को जो है वो कंप्लीट हुआ था, 1990 में स्टार्ट हुआ और 2003 में जो है पूर्ण हुआ, अर्थात जो है इसको जो है वो कितना लग गया आपका 13 साल लग गया, यानी कि 13 ईयर जो है इसको कंप्लीट होने में लग गया, इतना बड़ा इसमें क्या था वो प्रोजेक्ट था। और इसमें अरबों रुपए की लागत आया और जिसके तहत जो है डीएनए का सिक्वेंसिंग किया गया कि किस तरह से डीएनए जो है उसका सिक्वेंसिंग रहता है हमारे क्रोमोसोम के अंदर जो है वो किस तरह से उसमें सिक्वेंसिंग उसमें रहते हैं, इसको हमने देखे अभी हम लोग देखेंगे। ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट है बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट है जिसमें आपका 9 बिलियन US डॉलर का खर्च आया, कितना है इसमें 9 बिलियन US डॉलर यानी कि अमेरिकी डॉलर 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इसमें खर्च जो है उसमें आया था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आपका वेरी लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयर, हमारे जो डीएनए होते हैं तो डीएनए सॉरी हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं तो उसमें क्रोमोसोम के अंदर यानी कि हमारे जो बेस पेयर की संख्या रहती है वो होता कितना आपका 3×10^9 बेस पेयर थे, ठीक है। कितना रहते हैं हमारे पास थे नहीं अभी भी है, मतलब कितना होता है 3×10^9 बेस पेयर इसमें जो है वो पाया जाता है, किसमें हमारे हमारे क्रोमोसोम के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। और हम लोग जानते हैं कि कितना होता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जिसमें से 22 कैसा होता है ऑटोसोम होता है प्लस 1 पेयर कैसा होता है हमारे में सेक्स क्रोमोसोम के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो इस आधार पर हुआ कितना हमारे पास 23 हुआ और 23×46 तो इस तरह से हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें क्या होता है इसके क्रोमोसोम में हमारे पास 3×10^9 बेस पेयर इसमें जो है वो पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद और क्या बोलता है, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट और टेक्नीशियन एंड जो है सपोर्टिंग स्टाफ को जिसमें ज़रूरत था, क्योंकि कोई भी अगर अब प्रोजेक्ट वहाँ पर हो रहा है तो उस प्रोजेक्ट को पूरा होने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, साइंटिस्ट चाहिए और टेक्निकल्स चाहिए, उसी तरह से सपोर्टिंग स्टाफ यानी कि तीनों डिपार्टमेंट की आवश्यकता होती है, तभी उसमें क्या होगा वो पूरा इसमें जो है वो हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे उसके बाद हमारे में जो हमारे पास क्या आया था, अब उसमें रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट जो आ रहा है उसको रखने के लिए क्या चाहिए हमको, एक बुक चाहिए या कोई सॉफ्टवेयर चाहिए क्या और या कोई स्थान चाहिए जिसमें उसको सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है। तो अब देखते हैं उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होते हैं इसको भी हम लोग देखते हैं। चलिए तो बोलता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से प्राप्त डाटा को रखने के लिए सॉफ्टवेयर है जिसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन के जीनोम प्रोजेक्ट से जो हमारे पास डाटा प्राप्त होगा, जो हमारे पास रिसर्च चलेगा, तो रिसर्च का जो रिजल्ट प्राप्त होगा हमारे पास जो डाटा आएगा उसको रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, ये क्या बनाया गया इसमें सॉफ्टवेयर का निर्माण इसमें किया गया जिसे बोलते हैं हमारे में बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है या उसको कहते हैं, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, जो कि एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर होता है, जो कि एक प्रकार कैसा होता है सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है या सुपर कंप्यूटर होता है। अब इसमें आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सॉफ्टवेयर को जो आपको भी कंप्यूटर होते हैं उसमें फिट किया जा सकता है या उसको रख सकते हैं, उसका कैपेसिटी रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। उसमें क्या आता है, उसके जो डाटा हमारे पास आ रहा था डाटा इतना ज़्यादा था कि हमको जो है इसको नॉर्मल कंप्यूटर में फिट करके रखने में वो फिट नहीं हो पाता। सीधी सी बात, जो नॉर्मल हमारा कंप्यूटर रहता उसमें एनालॉग होता डिजिटल होते उसमें तो बिल्कुल भी फिट नहीं होता, इसलिए वहाँ पर क्या हो गया सुपर कंप्यूटर में इसको जो है वो फिट किया गया। सुपर कंप्यूटर का डायग्राम जो है कुछ इस तरह से होता है, इसमें से बहुत सारे डिब्बे टाइप के इसमें जो है वो लगे हुए रहते हैं और प्लस इसमें जो है आपका ये देखिए यहाँ पर पूरा सा वायरिंग के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हमें सुपर कंप्यूटर। तो इस तरह से रहता है हमारे में क्या रहते हैं हमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से उसको जो है जाना जाता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स को। और क्या बोलते हैं NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायो टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है।
अगर हम सॉफ्टवेयर का हेल्प नहीं लेते, अगर हम क्या नहीं लेते सॉफ्टवेयर के ऊपर कंप्यूटर का हेल्प नहीं लेते, अगर उसको हम पेजेस में लिखते, पेज में लिख कर रखते, तो कितना पेज उसमें आ जाता या कितने सारे कॉपियों में वो आता उसको हम लोग अभी देखते हैं। तो बोलता है एच जी पी डाटा जनरेटेड वुड हैव रिक्वायर्ड 3300 यानी मतलब 3300 हमको 3300 बुक की आवश्यकता होती। अब बोलते हैं ईच विथ क्या रहता 1000 पेजेस, उसमें कैसे रहता एक एक जो बुक रहता उसमें कैसे रहते 1000 पेज का रहता, यानी कि एक एक हज़ार पेज का, यानी कि जो आपका बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जो बुक आता है उतना मोटा वो रहता एक एक बुक। तो उतने सारे कितने होते हैं वो एक एक हज़ार के पेज के बुक कितने होते हैं हमारे पास, जो है 3300 जब बुक रहता तब उसमें वो फिट होता। अब ऐसा नहीं कि उसका पेज कैसा रहेगा, छोटा रहता होगा या उसमें पहले चित्र आते होंगे फिर छोटा छोटा लिख कर, ऐसा नहीं है। उसमें कहता है एंड ईच पेजेस हैविंग 1000 लेटर, एक पेज में आपके पास 1000 शब्द उसमें लेटर्स उसमें आ जाए, इतना बड़ा वो पेज रहता था। और उसी तरह से उतना बड़ा उसमें आने के बाद वो 1000 पेज का पेज रहेगा, पूरा पूरा आपके बुक रहेंगे 1000 पेज का बुक। और उस 1000 पेजों के बुक कितने की संख्या कितने रहेगा 3300 की संख्या में जब रहेगा तब उसमें वो डाटा जो है वो आ पाता, इतना सारा हमारे पास उसमें डाटा निकल कर आता है। एक बोल दिया जाए तो लाइब्रेरी, ठीक है, चलता फिरता लाइब्रेरी, जैसे कि लाइब्रेरी होते हैं तो उसमें 2500-3000 होते हैं बुक। तो केवल उसमें अगर उसमें क्या है तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का केवल एक लाइब्रेरी होता, अगर किसी चीज़ को हमको ढूंढना है तो ढूंढने में हमको साल दो साल तक भी उसमें क्या होता लग जाता। अगर किसी इंसान को रोग है या उसके जीन थेरेपी को करना है तो उसको देखने के लिए हमको जो है वो साल दो साल उसमें जो है वो ढूंढते ढूंढते उसमें लग जाता। तो इसलिए जो है वो सुपर कंप्यूटर को जो है निर्माण किया गया है जिसके द्वारा जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स को जो है आसानी से प्राप्त इसमें किया जा सकता है या किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे गोल्स ऑफ एचजीपी, गोल क्या क्या थे हमारे पास, एम्स क्या क्या था इसमें हम लोग देखते हैं, हमारा टारगेट क्या था। तो बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द एप्रोक्सीमेट 20,000 to 25,000 जीन इन अ ह्यूमन डीएनए, ठीक है, जो हमारे पास डीएनए रहता है ह्यूमन के डीएनए में लगभग आपके जो है 20,000 to 25,000 जो है वो जीन्स उसमें पाए जाते हैं, ठीक है, जो हमारे पास डीएनए रहता है तो उस डीएनए में ह्यूमन डीएनए में 20,000 to 25,000 जो है इसमें क्या पाए जाते हैं जीन जो इसमें जो है वो पाया जाता है, ठीक है, ये बोलता है। अब उसके बाद क्या बोलता है द सिक्वेंस ऑफ द 3 billion केमिकल बेस पेयर दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए कितना होता है इसमें, जो हमारे पास जो ह्यूमन डीएनए रहता है तो उसमें कितना है 3 billion केमिकल बेस पेयर पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला जाए, बोला इसने द सीक्वेंस ऑफ द 3 billion केमिकल बेस पेयर दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए, ठीक है, तो 3 billion इसमें केमिकल बेस पेयर इसमें पाया जाता है, इसमें आपके ह्यूमन के डीएनए में जो है वो पाया जाता। अब उसके बाद इसमें गोल नंबर तीसरा आता है हमारे में, क्या बोलता है ह्यूमन जीनोम न्यूक्लियोटाइड्स का पूर्ण क्रम निर्धारित करना, ह्यूमन जीनोम न्यूक्लियोटाइड जो रहते हैं क्योंकि हमारा जो डीएनए रहता है वो न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बना हुआ रहता है, तो उसका जो है क्रम का निर्धारण करना कि कौन से के बाद कौन सा करना, जैसे कि ए ए है उसके बाद क्या आ रहा है टी टी आ रहा है तो सी सी आ रहा है कि क्या उसमें आ रहा है, तो उसमें से उसके क्रम का निर्धारण करना उसे बोलते हैं हमारे में ह्यूमन जीनोम न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम का निर्धारण करना, ये भी हमारा क्या था गोल था उस समय, है ना। अब उसके बाद बोलते हैं चौथा क्या थे टू स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन इन डाटाबेसेस, ये जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रहा था तो उस इन्फॉर्मेशन को जो है वो डाटाबेस में जो है स्टोर करके रखना, ये भी हमारा क्या था गोल था। उस तरह बोलते हैं टू इम्प्रूव टूल्स फॉर द डाटा एनालिसिस, यानी कि जो डाटा एनालिसिस के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं उपकरण टूल्स का उपयोग इसमें होता है उसको क्या करना अपग्रेड करते जाना इम्प्रूव करते जाना, क्योंकि वो उस समय 1990 का था उस समय का, और उस समय थोड़ा सा कैसा था मतलब कि जो नए नए आविष्कार उस समय नहीं हुए थे, तो धीरे धीरे उसका क्या होना आविष्कार होते जाना और उसके टूल्स का जो है वो इम्प्रूवमेंट उसमें करते जाना, ये था उसकी तरह। और क्या बोलते हैं ट्रांसफर द रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्री, जो कि हमारे पास जो जीनोम थ्योरी है हमारे पास यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें जो रिजल्ट आया है उसके टेक्नोलॉजी को अदर सेक्टर सच जैसे इंडस्ट्री वगैरह में जो है इसको जो है इन्वेंट
करना, ट्रांसफर करना, ताकि उससे क्या हो, ह्यूमन को जो है फायदा उसमें मिल सके, इसको किया जाता है। अब उसी तरह से इसमें हमारा एक और गोल क्या था, टू सॉल्व एनी इथिकल लीगल एंड सोशल इशू दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट के विषय में या प्रोजेक्ट को लेकर किसी के द्वारा इसमें प्रॉब्लम वगैरह, यानी कि इथिकल प्रॉब्लम या इसमें लीगल प्रॉब्लम या सोशल इशू अगर इसमें कुछ होता है, तो इसको एक सॉल्व करने के लिए इसकी अलग से एक ब्रांच बनाया गया था, जो कि केवल इसी पर जो हम लोग काम इसमें करते थे। ठीक है, ये हुआ उसका केवल इन्फॉर्मेशन हुआ। अब देखते हैं इसमें किस तरह से इसका अभिक्रिया को इसमें करते हैं, तो मेथोडोलॉजी इसके रूप में देखेंगे, यानी कि मैथड के रूप में हम लोग जो है वो देखते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि होता क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जो है 100 ट्रिलियन सेल है, तो 100 ट्रिलियन जो सेल होते हैं उसमें सब में होता है न्यूक्लियस, केवल आरबीसी को छोड़कर उसमें सब में, उसके अलावा सब में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या पाया जाता है, डीएनए। तो ये हमारा सेल हुआ, सेल के अंदर क्या पाया है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है हमारे पास जो है वो डीएनए पाए जाते हैं। और इस डीएनए को जब तोड़ना है तो इसके लिए क्या एंजाइम करते हैं, इसके लिए होता है हमारे पास मॉलिकुलर सीजर्स होते हैं, ठीक है, कैंचियां होते हैं, जिसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं, इसके थ्रू जो है हमारे डीएनए को जो है क्या किया जाता है, डीएनए को फ्रेगमेंट्स में इसको जो है वो तोड़ा जाता है। अब उसके बाद क्या हो गया, फ्रेगमेंट्स में जब हम इसको तोड़ देते हैं, तो फ्रेगमेंट्स में तोड़ने के बाद आगे की प्रक्रिया जो है वो अलग अलग तरीके से और होगा। तो हमारे जब इसको हम लोग जो है फ्रेगमेंट में तोड़ते हैं, तो फ्रेगमेंट में तोड़ने के बाद इसको जो इंसर्ट किया जाता है, तो इंसर्ट होने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, कुछ वैक्टर चाहिए, वाहक चाहिए, तभी तो क्या करेगा उसको इंसर्ट वहाँ से करेगा और लेके जाएगा। जैसे कि कोई भी अभिक्रिया होती है, तो कोई भी अभिक्रिया के लिए क्या चाहिए हमारे पास, वेक्टर चाहिए रहता है, वाहक रहता है। जैसे कि हमको कहीं जाना है इस तरफ से उस तरफ, अगर जैसे कि नदी का दो किनारे हैं, हम एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना चाहते हैं, तो बीच में होना चाहिए क्या हमारे पास, पुल होना चाहिए। अगर पुल नहीं है तो हमारे पास नाव वगैरह होना चाहिए, जिससे हम क्या हो सके, नदी को जो है क्रॉस कर सके। तो उसी तरह से हमें जो है क्या पाए जाते हैं, वेक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल है ना, यानी कि जो डीएनए का जो फ्रेगमेंट है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को या एक जीव से उसको दूसरे जीव में हमको ट्रांसफर जब करना है, तो उसके लिए क्या पाए जाते हैं हमारे पास, वेक्टर होते हैं। तो हमें दो तरीके से इसमें वेक्टर हमारे पास पाया जाता है, एक का नाम होता है बैक और एक का नाम होता है याक, एक का नाम होता है याक के नाम से जानते हैं, एक बोलते हैं बैक। बैक का फुल फॉर्म होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, और याक का फुल फॉर्म होते हैं यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के नाम से जो है उसको जाना जाता है। ये जो बैक्टीरियल होता है इसको क्या किया जाता है, यूज़ करते हैं किसमें, बैक्टीरियल प्लाज्मिड के रूप में इसमें जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका साइज जो है कैसा होता है, छोटा होता है। साइज छोटा होने के कारण जो इसको लार्ज नंबर, यानी कि बड़े वाले में इसका जो है उपयोग नहीं किया जा सकता। उसी तरह से यहाँ पर जो है याक का जो है इसमें प्रयोग जो है ज़्यादा करते हैं, ह्यूमन के केस में जो है याक का प्रयोग जो ज़्यादा किया जाता है, यानी कि यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। तो यूज्ड यहाँ पर क्या है, एचजीपी के रूप में इसमें प्रयोग किया जाता है। अब बैक का भी उपयोग इसमें होता है, लेकिन जो है याक का प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, दोनों का उपयोग इसमें कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें कि हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं, तो क्रोमोसोम में हमारे पास एक जो हमारे पास क्रोमोसोम, यानी कि हमने अभी बात किया था कितना होता है, 23 pairs क्रोमोसोम होते हैं। 23 pairs क्रोमोसोम में एक में कितना वहाँ पर क्या रहेगा, जीन्स रहते होंगे। तो देखते हैं हमारे में क्रोमोसोम विथ मोस्ट जीन, क्रोमोसोम यानी कि हमारे पास 23 जोड़े जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा किसमें जीन्स होता है, तो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट हम कितना होता है आपका, 2968 इसमें जीन इसमें पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जीन किसमें पाया जाता है, तो इसको बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, इसमें 2968 जीन इसमें पाया जाता है। और सबसे कम किसमें पाया जाता है, तो क्रोमोसोम रहेगा आपके वाई, क्रोमोसोम के वाई, तो वाई में जो है इसमें सबसे कम पाया जाता है, इसमें कितना होता है 231 जीन्स इसमें जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड। बैक्टीरियल कैसा है, ये प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की खास बात क्या होती है, अपने साथ जोड़कर जो है किसी दूसरे में कैसा हो जाता है, वो जाकर अपने संख्या में जो है वो वृद्धि इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे में बैक्टीरियल
प्लाज्मिड है, और इधर क्या हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। और उस तरह से हमने जो है बैक्टीरिया को बैक्टीरियल प्लाज्मिड को क्या क्या है यहाँ पर कट किए हैं। कट होने के बाद जो है यहाँ से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट में से जीन को लिए हैं, और जीन को लेने के बाद जो है दोनों को क्या कर दें यहाँ पर हमने मिला दिए हैं। तो एक चीज़ इसमें हुआ है कि जीन जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड है उसका साइज कैसा है हमारे पास, छोटा है। ये आपके जो नील रंग में है कैसा है वो हमारा, वो छोटा है, लेकिन जीन का जो है साइज कैसा है वो बड़ा वाला है। इसी कारण से जो है वो प्लाज्मिड को जो है पूरी तरह से उसमें घेरा हुआ इसमें दिखाई हमको दे रहा है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको मिलने के बाद जो है इसको एक हमारे पास जीवाणु रहता है जिसको बोलते हैं एशेरिचिया कोलाई, इसको एशेरिचिया कोलाई के अंदर जिसको डाल दिया जाता है। और एशेरिचिया कोलाई में डालने के बाद इसमें कैसा होता है, लगातार अपने संख्या में जो है वो इंक्रीज करते हैं, और इंक्रीज होने के बाद जो हमको कुछ इस तरह से बैक्टीरिया के इसमें कॉलोनीज हमको जो है प्राप्त होता है, इसमें संख्या इसमें जो है प्राप्त होता है। उसके बाद इसको जो पीसीआर किया जाता है, पीसीआर तकनीक के थ्रू जो है इसको एम्पलीफाई किया जाता है, क्योंकि इसमें से हमको डीएनए को हमको जब पढ़ना है तो डीएनए को पढ़ने के लिए कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है, एकदम से छोटा, इसमें क्या होता है कण होते हैं। अब उसके अंदर भी हमको क्या है, जीनों के जो बेस पेयर है उसको हमको पूरा क्या करना है, इसको डिटेल में हमको स्टडी इसमें करना है। तो इसलिए जो इसको क्या किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है बहुत ज़्यादा, इसको जो है वो बढ़ा चढ़ा कर इसमें जो है देखने की जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं पॉलीमरेज चैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, यानी कि पीसीआर तकनीक के थ्रू जो इसकी स्टडी जो इसमें किया जाता है। ठीक है, अब आता है उसके बाद हमारे में फ्रेडरिक सेंगर। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इन्होंने आपके फ्रेगमेंट सीक्वेंस के लिए जो है आपका एनोटेनेटेड सीक्वेंस को इसमें जो है उसने दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, द फ्रेगमेंट्स आर सीक्वेंस एज एनोटेनेटेड सीक्वेंस बाय मेथोडोलॉजी डेवलप्ड डबल नोबेल लोरिएस्ट फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, तो इसको जो है वो डबल नोबेल पुरस्कार से उस समय सम्मानित किया गया था। ठीक है, या डबल नोबेल पुरस्कार विजेता थे जिन्होंने जो है एनोटेनेटेड विधि को इसमें जो है वो दिया था इसको देखने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलते हैं, प्राप्त डीएनए सीक्वेंस को एक जैसे दिखने वाले डीएनए सीक्वेंस पर क्या किया, ओवरलैपिंग इसमें किया गया। मतलब कि जो डीएनए इसमें सीक्वेंस इसमें से प्राप्त हुआ था उस समय, सीक्वेंस जो प्राप्त हुआ उस सीक्वेंस को क्या क्या उन्होंने जो है एक के ऊपर एक उसमें रखें, और एक के ऊपर एक रखने से क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर उसमें ओवरलैप हुए, मतलब जो सेम था वो एक दूसरे में कैसा हो गया, चिपक गए, कि सेम हुए, लेकिन जो उससे अदर्स था वो कैसा था हमको अलग से उसमें दिखने लगा। तो हमने उसमें क्या किया, उसमें सेम वाले को जो है उसको अलग से स्टडी किया, और जो अदर्स दिख रहे थे उसको भी अलग से इसमें स्टडी इसमें जो है उसमें किया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलता है, एप्लीकेशन आते हैं इसमें, क्या क्या इसकी उपयोगिता एप्लीकेशन इसमें देखते हैं। तो बोलता है मोर देन 1200 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन ह्यूमन डिसेस लाइक। ठीक है, हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर जो है लगभग 1200 जीन ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग डिसीज को इसमें क्या करते हैं, इसमें फैलाने का काम जो है वो करते हैं, कॉमन डिसीज उसके द्वारा इसमें होता है। 1200 जीन हमारे पास पाए जाते हैं, इनमें से कुछ रोग हमारे पास इसमें हैं, डिसीज हैं। तो पहला इसमें आता है हमारे में कार्डियो वैस्कुलर। ठीक है, क्या था इसमें, कार्डियो वैस्कुलर डिसीज आता है। उसी तरह से इसमें आता है आपका एंडोक्राइन डिसीज, जिसमें आता है हमारे में डायबिटीज ये जो है आपका अनुवांशिक भी हो सकता है, पीढ़ी दर भी पीढ़ी आ सकते हैं, और ये जो है आपके जीनों के कारण भी इसमें वो होता है। उस तरह से आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, तो इसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इसमें जो है वो होता है, जिसे बोलते हैं एल्जाइमर्स के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। एल्जाइमर होते हैं किसी की याददाश्त की भूलने की प्रक्रिया, जिसमें एल्जाइमर के केस जो है इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके याददाश्त जो है बार बार उसमें जो है वो भूलते हैं, एल्जाइमर के केस उसमें होते हैं। ठीक है, अब उसी तरह से इसमें होता है आपका कैंसर एंड मेनीमोर। ठीक है, कैंसर एंड मेनीमोर, ये मेनी है ना, कैंसर एंड मेनीमोर डिसेस इसके द्वारा जो है वो होता है। तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, एक इवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट था, जिसके तहत जो है बहुत सारे जीनोम, यानी कि हमारे पास जितने भी जीनोम पाए जाते हैं उन सब का जो इसमें जो है वो स्टडी किया गया, और उन सब का जो इसमें खोज इसमें किया गया। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।